मेरे हिसाब से इस प्रकार के जो लोग वे आपके चैनल को बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि आप गलत मुद्दा उठा रहे हो, हिंदू धर्म के विषय में आप दिखा रहे हो, इससे हमारी बेइज्जती हो रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के लोग मानसिक ग्रस्त लोग हैं। इसलिए है कि आज हमारे धर्म में कहीं कमियां है, हमारे धर्म अगर कहीं हमारे धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे गणतंत्र का चतुर्थस्तंभ, और आप गणतंत्र का चतुर्थस्तंभ है, आपके माध्यम से अगर हमारे समाज के बीच में अगर ये संदेश नहीं जाएगा कि ये गलत हो रहा है तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा ये गलत हो रहा है? तो जो इस प्रकार के लोग बोल रहे हैं कि ये जो गलत दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल मानसिक ग्रस्त लोग हैं। तो देखिए, मैं जब बचपन में था, छोटा था, तो मैं दुलियाजन से जब शिवधाम यहाँ आया करता था तो सुना था कि उस वक्त रास्ते में लोग शीशे के पत्थर फोड़ करके फेंक दिए, शीशे के बोतल को रास्ते में फेंक दिया करते थे, और विशेषकर वो बरहफजन इलाका में ये होता था। आप लोगों को ज्ञातार्थ मैं बताना चाहूँगा कि डिब्रूगढ़ से भी लोग आया करते थे, मेरे बचपन के इतिहास पता है, डिब्रूगढ़ से भी लोग जल लेकर के शिवधाम आया करते थे, लेकिन लाहौल क्षेत्र में आपका लाहौल के आसपास जो इलाका है, बकुल इलाका है, उस बकुल इलाका से जैसे इतने लोग शीशे के बोतल, बियर के बोतल फेंक देते हैं कि जो भक्तगण है वो खाली पैदल पे चल के आते हैं, और उनका पैदल जो है शीशे के कट जाने की वजह से आज आप देखिए कि डिब्रूगढ़ से आने वाले लोग भी किंतु बंद हो गया। मैं इतिहास बताना चाहता हूँ। अब हम मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि जो शरारती तत्व है उस वक्त डायरेक्ट अटैक किया करते थे, अब क्या है कि इस वक्त सरकार बहुत ही सख्त है, सरकार चाहती है कि इस प्रकार के कोई अपने हिंदू धर्म के ऊपर कोई आक्रमण न हो, इसलिए पुलिस प्रशासन भी बहुत सतर्क है। अब वो क्या करते हैं, सीधे उस पर आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं। अब बरहफजन इलाका में जो सीधे आक्रमण होता था, शीशे शीशा का बोतल तोड़ा जाता था, और बकुल में आपका लाहौल में शीशे शीशा का बोतल तोड़ के भक्तजनों को वहाँ पर पूरा खून से लाल कर दिया जाता था। तो वो चीज़ अब सिस्टम बंद करके अभी क्या शरारती तत्व कह रहे हैं कि अब वो छल कर रहे हैं, छल करके अब मेरे हिसाब से अभी जो हमने सुना है कि वो शरारती तत्व को जो आपने कहा है बिल्कुल सही बात है कि उनको कुछ पैसा दे करके उनको खिला के पिला के नशा में करके तोड़ फोड़ कराएंगे, तोड़ फोड़ कराने से एक माहौल खराब होगा, माहौल खराब होगा तो क्या होगा, बोलबम परंपरा के ऊपर में एक आँच आएगी। तो एक षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को फाजिल करने के लिए मैं जिला प्रशासन अनुरोध करता हूँ कि कम से कम इस प्रकार के जो लोग हैं जो दारू पीकर शराब पीकर जो घूम रहे हैं उनको शीघ्र ही पहले उनको अटैक किया जाए, पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए।